बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं। मैं हूँ नबीला हुमा फूड सीकर के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ईद के हवाले से एक स्पेशल रेसिपी, जिसे हम अपने जो टाइम गुजरता है उसके हिसाब से नाम दे लेंगे, न्यू जनरेशन सेवियाँ। तो बनाएंगे हम, किस तरह इसमें चेंजेस करके बना सकते हैं तो बनाते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें ये ग्राइंड चीनी है जो हमें दो जगह चाहिए, और ये कस्टर्ड भी हमारे पास, और ये देसी घी है, और ये है ड्राई मिल्क है, ये बादाम है, ये कश है नारियल का, और ये दूध है, फ्रेश मिल्क है, और ये जो सेवियाँ, ये ख़ास कसूर की सेवियाँ जो सिर्फ मैदे से नहीं बनती, स्पेशल ये वहाँ की सेवियाँ सूजी और कुछ यानी कि और भी डाल के तो बहुत ही प्यारा है, इसका टेस्ट आता है। तो ये ली हैं, तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले सेवियाँ लेके थोड़े से उसे पहले भून लेंगे, फिर बाका भी प्रोसीजर करेंगे। सेम हमने ऑन की हुई है, तो इसमें और सेवियाँ डाल लेंगे। तो ये देसी घी है, ये डाल लेंगे इसमें। बटर के साथ भी कर सकते हैं, मगर जो ये है कुकिंग ऑयल, इससे ज़रा डिफरेंट जायका आता है, तो इसे ज़रा अवॉइड करें। अच्छा जी, सेवियाँ हमने वो वाली इकट्ठी भूननी थी, इसमें से ये कुछ निकालनी है। तो अब इसका स्टेप नंबर, थ्री कर लेते हैं, टू कर लें या थ्री कर लें। तो इसमें हम डाल देंगे, ये दूध भी डाल देंगे थोड़ा सा, ये यानी कि मिल्क पाउडर, और चीनी डाल देंगे थोड़ी सारी, बस इतनी, और थोड़ी देर से ये कर देंगे ताकि इसमें इसका सही तरह टेस्ट डेवलप हो जाए। अच्छा जी, सेवियाँ एक जगह हमने भून ली थी, फिर ये वाली हमने निकाली, आधी आधी करके हमने निकालनी है। तो इसमें वो हमने दूध, ड्राई मिल्क और चीनी डाल के फिर इसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें ये सेवियाँ डालने लगे हैं जो हमने इस तरह लिक्विड बनाना, तहे लगानी है। तो साथ में हम डाल देंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये पानी, दूध थोड़ा सा, तो और ये थोड़ी सी नरम होती हैं, तो बाकी का इसमें वो काम करते हैं, इसमें बाकी की रेसिपी बनाते हैं। अच्छा जी, इधर ये सेवियाँ हो रही हैं, दूध डाला हुआ है हमने इसमें, अब हम इसमें बाकी का काम करते हैं। ये कस्टर्ड, ये वो पाउडर है हमारे पास, इसे डालेंगे इधर बाउल में। और एक वो ये हाफ पैकेट था, एक पैकेट ये भी डाल देते हैं। साथ में ये मिल्क पाउडर दो, ये भी डाल देते हैं, और इधर ये चीनी जाएगी। ये डाल देते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने 3 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल दी है। तो ये इसे दूध के साथ ये कर लेते हैं।
थोड़ी कलर करके इन्हें भून लिया था। अच्छा जी, ये तैयार हो गया। ये कस्टर्ड वाली जो हमने ये बनाई है रेसिपी, हम ये तैयार हो गई है। तो थोड़ी सी हम इसमें ये बादाम इस स्टेज पे डाल देते हैं, और ये भी नारियल का कस्ट जो हमने तैयार किया है। अच्छा जी, ये कस्टर्ड तो हमारा तैयार हो गया है, ये कस्टर्ड सेवियाँ जो हैं। तो अब हम इधर ये करने लगे हैं, बोल ले लिया, एक लेयर इसकी लगा लेते हैं। तो देखें ये बिस्किट भी पड़े हुए हैं, ये ओरियो बिस्किट भी है, ये छुआरे हैं, और ये हम इसमें डालेंगे क्रश करके। अब ये सेवियां हम डाल लेंगे इसमें। ये कस्टर्ड वाली जो सेवियां बनाई थी उसकी कोटिंग हमने कर दी। अब हम ये जो ये सेवियाँ तैयार की थी हमने, अब इसकी ये कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सेमी इसकी कोटिंग की है। अब ये इधर कर रहे हैं हम नारियल जो हमारा हमने कश किया था, थोड़ा वो स्प्रिंकल कर देते हैं। और फिर इसके बाद ये बादाम थे हमारे पास, ये कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम ये इसकी नारियल के कश के बीच में वो की है, स्प्रिंकल किया है, बादाम किए हैं। अब ये छुआरे थे तो ये उसकी एक एक लाइन लगा देते हैं। तो सारे पसंद करेंगे और आपको भी यकीनन ये पसंद आएगी। फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार, यूनिक और बजट में आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।